बाद फंस गई पत्नी सुनीता, कोर्ट में पकड़ी गई सुनीता केजरीवाल की चोरी, कार्रवाई का वीडियो वायरल, हो गया एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल घर से लेकर बाहर तक बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ खुद ईडी की सख्ती से जेल में बौखला रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी की चालाकी से आप नेताओं में हड़कंप मच गया है। केजरीवाल की पेशी के दौरान उनकी पत्नी ने कोर्ट में एक ऐसी हरकत कर डाली जिससे आम आदमी पार्टी पर नई आफत आ पड़ी है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता के खिलाफ एक वकील ने शिकायत दर्ज करवाई है। जिला जज के पास सुनीता केजरीवाल की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि सुनीता ने केजरीवाल की पेशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर शेयर की। रिकॉर्डिंग साझा करने के मामले में सुनीता के साथ साथ पार्षद प्रोमिला गुप्ता समेत अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 28 मार्च की केजरीवाल की पेशी के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए तो सुनीता केजरीवाल की इस हरकत पर जल्द कोर्ट भी एक्शन ले सकता है। शिकायत करने वाले वकील वैभव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक लीगल नोटिस भी भेजा है जिसमें इस मामले से जुड़ी अदालती कार्रवाइयों के वीडियो को हटाने को कहा गया है। उन्होंने सुनीता और अन्य नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग की है जिससे अब सुनीता केजरीवाल बुरी फंस सकती है क्योंकि बिना परमिशन के कोर्ट की कार्रवाई को कोई भी रिकॉर्ड या वायरल नहीं कर सकता। और शिकायत में भी साफ साफ कहा गया है, आप नेताओं के साथ ही अन्य विपक्षी दलों ने भी जानबूझकर वीडियो ऑडियो साझा किया ताकि कोर्ट प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। वैसे केजरीवाल की टीम हर मोड़ पर चालाकी दिखाती है और खुद ही फंस जाती है, जैसा इस बार भी हुआ। अब संजय सिंह को ही देख लीजिए, कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, साफ साफ शब्दों में कहा कि आप जेल से बाहर जाएंगे तो कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, ना ही इस केस के बारे में कोई जानकारी साझा करेंगे। लेकिन ये कहां पा जाने वाले हैं, संजय सिंह जेल से बाहर आते ही ऐसे जोश दिखाने लगे जैसे जमानत पर नहीं बल्कि बरी होकर बाहर आए हों। बाहर आते ही कोर्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ईडी ने बेवजह फंसाया, ना उनके खिलाफ सबूत है ना केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, चुनावी साजिश के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है। खैर, अब ईडी कार्रवाई करे ना करे, कोर्ट फिर से शर्तें तोड़ने पर केजरीवाल के खिलाफ एक्शन ले सकता है। वहीं अब बीजेपी ने भी इस मामले पर संजय सिंह को घेर लिया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने संजय सिंह के इस बयान पर तंज कसा है और उन्होंने शराब घोटाले में संजय सिंह को आरोपी तक बता दिया है। जो शराब घोटाला पापी आपने किया है उस बिंदु पे तो है ही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम मीडिया के समक्ष आएं और अपनी बात रखें, क्योंकि संजय सिंह दी एक्यूज्ड भ्रष्टाचार युक्त एक अभियुक्त, एक नई काली परंपरा की शुरुआत कर रहा है, एक अभियुक्त जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दोष मुक्त नहीं किया है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दोष मुक्त नहीं किया है, ही हैज नॉट बीन एक्विटेड, नीदर हैज द कोर्ट डिस्चार्ज्ड हिम, ही हैज ओनली बीन ग्रांटेड बेल। इस अभियुक्त को एक्विटल नहीं मिला है, इस आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया है न्यायालय ने, यह अभी भी एक आरोपी है, जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, वैसे यह भी कट्टर बेईमान आरोपी है। खैर, अब आम आदमी पार्टी चारों तरफ से फंसती नजर आ रही है, शराब घोटाले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वैसे भी अगर ये घोटाला झूठा होता तो केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिल गई होती, लेकिन फिर देखिए सिसोदिया को एक बार फिर राव रेवेन्यू कोर्ट से झटका लग गया है, वो भी शराब घोटाले में। कोर्ट ने 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, तो ऐसे में केजरीवाल की टीम कितना भी चिल्लाए बौखलाए हालात बता रहे हैं, राहत मिलने वाली नहीं है। अब आगे आगे केजरीवाल की पत्नी भी फंसने वाली है, कोर्ट की रिकॉर्डिंग वायरल करने पर अब केजरीवाल की पत्नी पर बड़ा एक्शन जल्द लिया जा सकता है। राव रेवेन्यू कोर्ट में जल्द ही शराब घोटाले पर भी बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।